नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक और फिर स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि मैं ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करने वाला हूं, क्योंकि सरकार ने जो है और खासकर सड़क मंत्रालय ने जो है ड्राइविंग लाइसेंस में पासिंग परसेंटेज जो है बढ़ा दी गई है, 49% तय किया गया है। पहले क्या होती थी कि 40 से 50% के बीच होती थी, लेकिन अब 69% कर दिया गया है तो ये स्किल टेस्ट जो है काफ़ी मुश्किल होने वाले हैं लोगों को। अब जो है बहुत सारी कठिन चुनौतियों से आपको गुजरना होगा, तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकती है। तो बहुत सारी बातें जो है निकल कर आ रही है इसके बारे में, आपको ड्राइविंग लाइसेंस का इतिहास जुड़ा हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस के कितने प्रकार होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस में क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तमाम तरह की जो आपके सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, लोगों को जरूर शेयर करें ताकि लोग भी जो है जान सके, इस तरह का इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके। तो चलिए बता दूँ कि कोरोना काल में जो है सरकार लाइसेंस के लिए जो है बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेप ले रही है। तो मैं बता दूँ, ड्राइविंग लाइसेंस चाहने वाले अब कड़े स्किल टेस्ट से एक सेट से पास करने के लिए परफेक्शन के साथ एक वाहन को रिवर्स करना शामिल किया गया है। और बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हो, मैं विकास कुमार बनवाल, आप फॉलो ऑन पेज फेसबुक पेज पर भी हमको फॉलो कर सकते हो और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें अब यदि नए हो। तो चलिए मैं बता दूँ कि सड़क मंत्रालय के अनुसार सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए पासिंग परसेंटेज जो है 69% तय किया गया है। ये स्किल टेस्ट काफ़ी मुश्किल लोगों के लिए होने वाले हैं। तो चलिए इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं मैं आपके साथ बता दूं, शेयर कर दूं कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चालकों को मुश्किल स्किल टेस्ट गुजरना होगा। दुनिया के 15 देशों में भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस वैध हैं। ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेवा पूरी तरह से ऑनलाइन हुआ। टेस्ट के पहले अब दिया जाएगा डेमो। अब सीमित जगह पर में वाहनों को सटीकता के साथ करना होगा, आगे पीछे व बाएं दाएं। तो ये बहुत जो है टफ होने जा रही है। और मैं बता दूं कि इन दिनों जो है आपको 1500, 2000, 3000 में बिना टेस्ट दिए, ड्राइव टेस्ट दिए ही जो है लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिए जा रहे हैं। इसमें सरकार को जो है बैन लगाने की आवश्यकता है। बहुत सारे छोटे छोटे जगहों पे, क्षेत्रों में, जिलों में इस तरह का देखने को मिलेगा। तो चलिए लाइसेंस होता क्या है बता दूँ। लाइसेंस या अनुज्ञा, अनुज्ञा हिंदी में बोलते हैं, किसी अधिकृत संस्था द्वारा किसी कार्य को करने या किसी वस्तु को देखने, स्वामित्व जमाने या उसका क्रय विक्रय करने की औपचारिक अनुमति को कहते हैं। आम भाषा में इसे अनुमति को प्रमाणित करने वाली किसी पत्र को भी लाइसेंस कहते हैं। आधुनिक युग में वाहन चलाने, बंदूक जैसे हथियार खरीदने, अपनी दुकान या रेस्टोरेंट में शराब बेचने के लिए लाइसेंस आवश्यक होता है। अक्सर लाइसेंसों के साथ एक अवधि और क्षेत्र जुड़ा होता है। इन इंडिया, ए ड्राइविंग लाइसेंस इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट ऑथराइजेस इट्स होल्डर टू ऑपरेट वेरियस टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑन हाईवेज एंड सम अदर रोड्स टू विच द पब्लिक हैव एक्सेस। इन वेरियस इंडियन स्टेट्स दे आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज ऑफिसेस RTA RTO। ए ड्राइविंग लाइसेंस इज रिक्वायर्ड इन इंडिया बाय एनी पर्सन ड्राइविंग ए व्हीकल ऑन एनी हाईवे और अदर रोड डिफाइंड इन द मोटर व्हीकल एक्ट 1998। मतलब साफ तौर पर कहा गया कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है एक ऐसा प्रमाण है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो होल्डर को क्या करती है, मोटर व्हीकल हाईवे में या सड़कों में चलाने के लिए जो है मदद करती है। ये RTO और RTA के अंतर्गत ये आती हैं और उन्हीं को जो है ये दी गई है। तो चलिए कांट्स जानते हैं। सबसे पहले LMB एंटी लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट फॉर पर्सनल यूज ओनली। LMB INVCRG एंटी लॉन्ग लाइट मोटर व्हीकल इनवैलिड कैरेज ऑन ट्रांसपोर्ट फॉर पर्सनल यूज बाय फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स ओनली। LMB INVCRG हैंडीकैप्ड लोगों के लिए बनता है। LMB TR ट्रांसपोर्ट फॉर कमर्शियल ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग लाइट्स गुड कैरियर। LMB लाइट मोटर व्हीकल्स इंक्लूडिंग कार्स, जीप्स, टैक्सीज, डिलीवरी वैन्स। 16 अप्रैल 2018 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांस एंड हाईवेज नंबर इतना। HPMB हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल्स, STV हैवी मोटर ट्रेवल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, गुड्स मोटरसाइकिल मोटर व्हीकल्स, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल्स, HMB हैवी मोटर व्हीकल्स। ए पर्सन होल्डिंग LMB ड्राइविंग लाइसेंस कैन ओनली अप्लाई फॉर हैवी लाइसेंस। तो हैवी लाइसेंस HMB बनाने के लिए आपको LMB होना जरूरी है। LDRC XCV
लोडर, एक्सेवेटर, हाइड्रोलिक इक्विपमेंट फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ ऑल हाइड्रोलिक हैवी इक्विपमेंट। और ट्रांस की बात की जाए तो हैवी गुड्स मोटर व्हीकल, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल इंक्लूडिंग ट्रेलर्स कैन डू इट ऑल्सो ड्राइव इट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काइंड्स थे जो कि हम लोग जनरली LMB बनाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के तौर पे। MC की बात की जाए 550 cc मोटरसाइकिल, 50 cc मोटरसाइकिल्स विथ MCX 550 cc मोटरसाइकिल मोर देन 50 cc मोटरसाइकिल्स लाइट मोटर व्हीकल एंड कार्स के लिए बनता है। मोटरसाइकिल्स स्कूटर्स के लिए जो है ऑफ एनी इंजन कैपेसिटी विथ और विदाउट गियर्स विथ एन इंजन कैपेसिटी ऑफ 50 cc और मोर ऑल कैटेगरी। MC विदाउट गियर और MC CYCLWOG मोटर विदाउट गियर, मोटर्स साइकल्स स्कूटर्स विदाउट गियर्स और मोटरसाइकिल्स। MCWG MC विथ गियर, MCYCLWG मोटरसाइकिल विथ गियर, ऑल मोटरसाइकिल्स इंजन कैपेसिटी मोर देन 175 cc। तो ये कुछ काइंड्स थे ड्राइविंग लाइसेंस के, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य कर रहे हैं उनको ये जो है ड्राइविंग लाइसेंस मुहैया कराई जाती है, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, बिजनेसमैन हो, कमर्शियल हो, पर्सनली यूज़ के लिए हो, सभी तरह के जो है ड्राइविंग लाइसेंस यूज होते हैं। आप चिल्ड्रेन हो लेस देन 18 ईयर्स, 18 ईयर्स से छोटा हो तो आप LMB ले सकते हो। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये नोट्स जो है मैंने काफ़ी मेहनत के बाद बनाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर कर दूं। ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेवा पूरी तरह से ऑनलाइन। परिवहन मंत्री ने यह कहा कि यानी सड़क मंत्रालय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने सूचित किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से जुड़ी कुछ सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। इसी आधार वेरिफिकेशन के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं के जरिए नागरिकों को परेशानी से बचाने और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में भीड़ कम करने के लिए मदद मिलती है। इससे RTO अधिकारियों को की क्षमता बढ़ेगी, कार्यकारी क्षमता बढ़ेगी। परिवहन मंत्री के अनुसार सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने भी सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में इस संबंध में बहुत एहतियात बरतने के लिए रखा है ताकि वे जल्द से जल्द इन सेवाओं को रोल आउट कर दे। नागरिकों को होम टाउन या बाहर जाने के लिए मुसीबतों से दूर करने के लिए 1 साल के बीच कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू किया जा सकता है। इससे और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मैं शेयर करूँगा वीडियो के अंत तक, तो वीडियो के अंत तक देखते रहें लोग भूले नहीं। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है न्यूज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ आफ्टर लॉन्ग रिसर्च। तो ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेवा जो है पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है, सभी के पास स्मार्टफोन है, वो आसानी से जो है वो इस तरह के केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर कर दूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हो, आपके पास अनुभव नहीं है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपको इशू नहीं की जा सकती है। तो जैसे तो टेस्ट पहले दिया जाएगा डेमो। सड़क मंत्री के अनुसार सभी ऑटोमेटिक ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट से पहले LED स्क्रीन पर एक डेमो दिखाया जाएगा। इसके अलावा अपॉइंटमेंट बुकिंग के समय आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट डेमो के लिए एक वीडियो लिंक उपलब्ध कराया जाएगा ताकि जो है वो अपना हेल्थ को भी सुधार सके। और वो ट्रेनिंग ले सके ताकि उनको कोई तरह का ड्राइविंग टेस्ट देने में कोई परेशानी ना हो, वो घर में मैदान में जहाँ जिस तरह से संभव हो सके वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, अन्यथा फिर जो है उनको अगले साल इंतजार करना होगा या फिर मोटी रकम उसके लिए चुकानी पड़ सकती है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकल कर आए हैं ड्राइविंग लाइसेंस से, जो आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, जरूर देखें, लाइक जरूर करें और लोगों को जरूर शेयर करें। सीमित जगह में वाहन को सटीकता के साथ करना होगा पीछे व दाएं बाएं। सड़क मंत्रालय के अनुसार ड्राइविंग टेस्ट को पास करने के लिए रिवर्स गियर वाहन वाले वाहन को पीछे की ओर ले जाने के मामले में एक लिमिटेड एरिया में वाहन को दाएं और बाएं कंट्रोल करना और सटीकता के साथ रिवर्स करना सबसे जरूरी पैमाना है।
टेस्ट केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार जो है चलती है। तो सभी जगह पर वाहन को सटीकता के साथ जो है करना होगा, पीछे हुआ दाएं बाएं अगवकाने की आवश्यकता नहीं होगी और उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग के बाद ही जो है उनको इस तरह भेजा जाएगा। तो मैं लगातार जो है कोशिश कर रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो निकल के आए हैं वीडियो का मैं आपके साथ शेयर करूँ, लोग आप जान सकें, जुड़ सकें कि क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस कितना ज़रूरी है। तो चलिए और कुछ इम्पोर्टेंट खबरों की ओर खंडन करते हैं और जानते हैं क्या है आज का स्पेशल खास। तो व्हाट आर अनरीजनेबल अबाउट द टेस्ट, अनरीजनेबल यानी ये उचित नहीं है, अनुचित है। फर्स्ट स्टार्ट एंड ड्राइव स्टेट टिल द डेड एंड एनीवेयर इज एस सेगमेंट विद इन 120 सेकेंड्स विदाउट टचिंग द एजेज, व्हाट नीड्स टू रिवर्स इन 5 स्टेप्स इन 120 सेकेंड्स। कंप्लीट द एस इंफॉर्मेशन इन द स्टेट पोजिशन, कंप्लीट द ट्रैफिक जंक्शन फेस्ट बाय फॉकिंग द ट्रैफिक लाइट्स, ड्राइव स्टेट्स आफ्टर फिनिशिंग द ग्रेडियंट टू कंप्लीट द ड्राइविंग टेस्ट, कंप्लीट द पैरेलल पार्क ऑफ द कार एंड बाय रीडिंग इट इज द इन द स्काई और बे डू इट इन 90 सेकेंड्स। अनलाइक द वेस्टर्न कंट्रीज पैरेलल पार्किंग ए एक्सटेंडली रेयर ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट व्हाट आउट टू बी टेस्टेड बट नॉट इज नॉट, क्या होता है। एप्लीकेंट शुड ड्राइव विथ इंस्पेक्टर इनवाइटिंग इन्विलिगेटर एंड अदर। तो ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से बनता है, तो ड्राइविंग टेस्ट देनी पड़ती है, फिर ड्राइविंग लाइसेंस फाइलिंग पेपर वर्क, ड्राइविंग मनुडी, इंश्योरेंस, व्हीकल इंस्पेक्शन, लाइसेंस रिन्यूअल, रिटर्न टेस्ट और लाइसेंस पोर्टल्स के माध्यम से जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस एक स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस नवीकरणीय ड्राइविंग लाइसेंस नवीकरण जरूर। तो ड्राइविंग लाइसेंस जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके साथ मैंने शेयर किया, आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। तो आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है चल भी रहा है, अच्छे लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस अभी के समय अनिवार्य हो चुका है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना जो है जरूरी है, लेने की एक बहुत ही पेचीदा बनाया गया है, तो हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर कर दूं। दुनिया के 15 देशों में भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस वैध है। भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन सहित 15 देशों के स्वीकार किए जाते हैं। हालांकि इसके लिए आपको पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना अनिवार्य है। भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस को मान्यता देने वाले देश कौन कौन से, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, कनाडा, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, फ्रांस नहीं है सॉरी, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, हांगकॉन्ग, स्वीडन, फिनलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, भूटान, ये सभी 15 देश है जिन्होंने जो है भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस को वैध किया है। तो यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामले में जो है सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य वाहन संबंधी दस्तावेजों पर जैसे आरसी परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र जैसी वैधता को जो है 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है, यानी 30 जून तक कर दी गई है। फैसला दस्तावेजों के लागू करने होगा जिनका वैधता 1 फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच है, समाप्त हो रही है या फिर हो चुकी है, इससे उनके दस्तावेजों की वैधता बढ़ गई है। यह फैसला जो है सरकार के द्वारा सड़क मंत्रालय के द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे दस्तावेजों को 31 मार्च 2021 तक वैध माना जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इससे नागरिकों को समाज सुरक्षा को बनाए रखते हुए परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगा। यानी साफ तौर पर कहा गया है कि मार्च 2021 में जो जिनकी वैधता है 1 फरवरी से उनको जो है बढ़ा दी गई है और उनको राहत देने का काम किया गया है जिनका ड्राइविंग लाइसेंस फेल होने वाला है या फेल हो चुका है, ताकि
है उनको फिर दोबारा मौका मिल सके, क्योंकि कोरोना का स्थिति से जो है स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। तो ये था ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण पॉइंट्स। आई होप आपको इससे काफी कुछ जानकारियां मिली होगी। तो चलिए आज क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा। और बता दूं कि अभी 11:30 बजे से शुरू होने वाला है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, वहां भी आप आके जुड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो कमेंट लाइक एंड शेयर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।